पहले बैठ जाओ, बताता हूँ उसका रैंक वगैरह कुछ बताया था उसने। यार हाथ क्यों नहीं आया? हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। आज हम जा रहे हैं अभी क्लास, तो अभी हम क्लास वगैरह जाते हैं, तो आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम आज करने लगे हैं Q&A। पता है कि बहुत जल्दी है Q&A करना, अभी सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स ही हुए हैं हमारे, तो ये Q&A मतलब कि बच्चों नहीं कह सकते, जो लड़के आ रहे हैं जूनियर्स वगैरह आ रहे हैं उनकी एक मतलब की होती, क्या कहते हैं, फरमाइश होती है, फरमाइश थी उनकी कि भैया एक Q&A बनाना है। तो मैं क्वेश्चन वगैरह जितने भी पूछे गए हैं अभी तक कमेंट्स में, मैं उन सबका आंसर दूंगा जितने मेरे से होते हैं, मतलब कि आया तो वैसे कम ही है, पर जितने मेरे से होंगे मैं सबका आंसर दूंगा। और इस वीडियो में बेसिकली मैं यही कवर अप करूंगा कि यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सिनेरियो फाउंडेशन वगैरह ये सब कुछ चीज़ों का कवर अप करूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी यूनिवर्सिटी का ओवरऑल कैसा चलता है, कि क्या सिस्टम है। और ऊपर से एक और चीज़, हमारे यहाँ अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट हुआ था जिसके लिए मैं यहाँ पर था नहीं, वी वॉन्ट गाइस, हाँ, पर हम जीत गए हैं। G2 खुल गया हुआ, जो हमने वीडियो डाली थी लास्ट वो खुल चुका है G2 हमारा। आज रात नहीं, आज शाम तक ऑर्डर आ जाएगा, तो हमारा G2 वगैरह भी खुल गया, तो ये एक बस की थम्स अप है हमारे लिए। तो अभी हम जाते हैं क्लास लगाते हैं, तो आपको फिर Q&A का जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर है वो अगले पार्ट में देंगे। तो हेलो गाइज, अब हम करेंगे Q&A, जो आपने क्वेश्चन वगैरह पूछे थे, तो हम उन सभी क्वेश्चन जितने हमें पता है नॉलेज है उन सबकी हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ दिखा दूंगा, क्वेश्चन के साथ एक यहाँ पर इमेज आ जाएगी। एग्जैक्टली, तो पहला क्वेश्चन पूछा है प्रिंस सिंह ने कि भैया CSE के लिए यहाँ प्लेसमेंट कैसी है, शुड वी ज्वाइन, हाईएस्ट प्लेसमेंट इन CSE कितनी गई है। तो बेसिकली CSE ब्रांच में जो प्लेसमेंट जाती है ऑन कैंपस, लोस्ट जाती है हमारी 3.5 लाख है ना, क्वेश्चन इसी के आसपास रहती है, 3.5 लाख से लेके हम इतनी जाएगी, हाँ जाएगी इस नीचे जाती है, और हाईएस्ट जाएगी आपकी 6-7.5 लाख से जाती है मैक्सिमम। एक आई थी अमेजोन की और एक आई थी IBM की, तो ट्रायलॉजी भी आई थी, ट्रायलॉजी भी आई थी। तो अभी जितना हमें पता है कि IBM की कंपनी आई थी जिसने गर्ल्स को हायर किया था ऑफ कैंपस, और वो गई थी मैक्सिमम 11 लाख तक, तो मतलब कि ऑफ कैंपस भी यहाँ पर हमारी कंपनीज आती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर दे सकता है कि कितनी कंपनी आती है। कुछ लाइक प्लेसमेंट्स और भी हाई जाते हैं जो हमें पता नहीं है, क्योंकि कुछ लोग नहीं बताते हैं कि हमारी प्लेसमेंट लगी। और जितना हमें पता है अभी तक हमने इतना है कि, और ये प्रिंस सिंह के क्वेश्चन को आंसर कर देगा जो अभी हमने बोला। क्वेश्चन पूछ रहा है क्रिश्चियन कुमार, वो बेसिकली ये चीज पूछ रहा है कि उसका रैंक कुछ समथिंग आया हुआ है, तो वो पूछ रहा है कि मेरे को ECU मिल रही है, तो पिछले कट ऑफ अकॉर्डिंग मेरे को ECU मिल सकती है, श्योरिटी मांग रहा है, श्योरिटी मांग रहा है। तो आपको बता देते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी में दो तरीके के पेपर होते हैं, एक होता है SMVDU ई करके नाम से पेपर होता है, और एक होता है JEE मेन के बेसिस पे। तो इन दो पेपर में क्या होता है कि SMVDU पेपर होता है वो आपका मतलब कि फिजिकली आपको यूनिवर्सिटी पे आके देना पड़ेगा, और दूसरा होता है डिसाइड आपके JEE के जो आपका रैंक है उसके बेसिस पे होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। हाँ, जैसे आपका रैंक है उसके अकॉर्डिंग, जैसे अब मैंने दिया था पेपर SMVDU EEE करके पेपर दिया था जिसमें रैंक आई थी 99, तो मेरे को ECE ब्रांच इजिली मिल गई थी। तो अगर आपका जितना रैंक ये बता रहा है हमें क्वेश्चन, तो उसको इजिली मिल जाएगी ECE। अगला क्वेश्चन है ईरिका ईशानी के नाम से, अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो समझ आना, मैं यहाँ पर दिखा दूंगा जो क्वेश्चन था। तो एक हमारी वीडियो डाली थी हमने जिसमें बताते कि हमारा SMVDU रिव्यू के बारे में, वो लिंक भी यहाँ पर डाल दूंगा। तो उस पर क्वेश्चन आया कि फाउंडेशन जैसे किस टाइप की फाउंडेशन, मतलब जब हमने उधर जिक्र किया था कि फाउंडेशन इन द सेंस कि जैसे गर्ल्स के लिए टाइमिंग होती है 8 PM तक उनको अंदर जाना था हॉस्टल्स के, बॉयज़ के लिए उनको हर टाइम गेट पास क्या है, बेसिकली एक पेपर होता है उस पर हमें साइन वगैरह चाहिए होते हैं वार्डन के, ताकि हम बाहर घूमने के लिए जा सकें, ये फाउंडेशन के बारे में कह रहे थे। तो वैसे भाई हमारा G2 खुल गया हुआ, तो वो फाउंडेशन थोड़ी कम हो गई, थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, यही मेन फाउंडेशन जो हम कह रहे थे वो ये है। क्वेश्चन पूछा है हमसे हर्षवर्धन ने कि भैया मुझे SMVDU में एडमिशन चाहिए, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है उसने, तो उसके लिए पूछा था कि भैया कैसे उसकी काउंसलिंग शुरू होगी है। तो वो कह रहा है कि भैया मैं अब इसके बारे में क्या करूँ, तो कुछ नहीं करो आप जाके, अगर आपने JEE का पेपर दिया तो वेल एंड गुड है, आगे JEE के थ्रू भी अगर रैंक अच्छा है तो आपको मैकेनिकल आराम से मिल जाएगी, नहीं तो अगर इनकेस आपकी JEE की रैंक ज्यादा काफी दूर है तो आप SMVDU EE का पेपर भी दे सकते हो, वो भी काफी ईजी होता है। अगला क्वेश्चन पूछा हमने रिशु रंजन ने कि यूनिवर्सिटी कैसी है, सीरियसली मतलब कि सीरियस डिटेल वीडियो बना दो। तो उसने पूछा था कि यूनिवर्सिटी कैसी है, यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, बेसिकली आपको फ्यू पॉइंट बता देते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में क्या 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 अच्छा है। पहली चीज तो यहाँ की जो कहते हैं एनवायरमेंट इज बहुत अच्छा, मतलब कि बेस्ट एनवायरमेंट जो मैंने जितना देखा, मैंने एनवायरमेंट सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर डिफरेंट ऐसे क्लब्स हैं, ऐसे डांस क्लब हो गया, म्यूजिक क्लब हो गया, और जिस बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो अपना क्लब भी क्रिएट कर सकता है। जैसे कि मतलब कि अगर आपको किसी किक बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है, कुछ भी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप अपना क्लब भी क्रिएट कर सकते हो,
यहाँ पर मतलब कि हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज को काफी दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, स्पोर्ट्स का भी लाइक काफी अच्छा है। बस ये कि लाइक अभी कोविड की वजह से थोड़ा लाइक ये सब थोड़ा मेसअप हो गया था, बट अब वापस ट्रैक पे आ रहा है, वापस आ रहा है। तो मतलब कि यहाँ पर हर जगह मतलब कि हर दिन आप इंजॉय कर सकते हो, ये नहीं कि इंजॉय करना, क्लासेस भी लगानी है, ये ना क्लासेस ना लगाओ, क्लासेस भी लगानी वो भी इंपॉर्टेंट है, पर आप इंजॉय कर सकते हो यहाँ पर बड़ा। तो गाइज हमने जितने Q&A के क्वेश्चन जो पूछे थे यूनिट्स ने, जितने भी पूछे थे, हम सबके आंसर दे दिए हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, आप फ्रीली पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे जितने हमसे आंसर हो पाए हम उतने आंसर कर दें। तो आज की वीडियो हमारी बेसिकली Q&A के लिए थी। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करो इस चैनल को और इसको सपोर्ट करो ताकि हम ऐसे और कंटेंट डाल सकें। लड़का बहुत मेहनत कर रहा है। तो थैंक यू। तो जितना आप सपोर्ट करोगे मैं उतनी अच्छी सी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और बाकी आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। थोड़ी जी पीती पे हिसाब चढ़ गई थोड़ी।